सच बता रहा हूँ। और लद्दाख का खर्चा मेरा मैं बता देता हूँ, लमसम आपको पता नहीं होगा, मैंने बताया भी नहीं है, लमसम आया होगा मेरा लद्दाख का खर्चा। फिर से एक नए ब्लॉग में, और आज मैं 3 दिन बाद आया हूँ और अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया मैंने। ये देखो ये शर्ट और ये लोवर मेरी प्यारी बहन ने सिलाया, भी फटा हुआ था थोड़ा सा। और बस 10:30 बज गए और आज नहा के अच्छा महसूस हो रहा है, और बस कॉफ़ी पीता हूँ और निकलता हूँ काम पे। व्लॉग वगैरह सब कुछ एडिट कर लिया है मैंने अपना, और आज 3 अप्रैल हो गई यार, समय कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है। कॉफ़ी बना दीजिए मम्मी जी। खाना खा ले। खाना ना खाएं। हाँ तो तब तक के लिए कोमल से बात करते हैं। हाय कोमल जी, कैसी हैं आप? आप अपनी आदत कब छोड़ेंगी ये 10:30 बजे उठने वाली? 10:30 बजे। ओह सॉरी सॉरी, 10 बजे, 9:30 बजे। कोमल ने अब भेदभाव थोड़ा सा कम कर दिया है, धीरे धीरे सुधार आ रहा है लग रहा है। आप लोगों की कमेंट पड़ रही है। अच्छा कुछ नहीं, देखो भाई 2 लड़कियां हैं हमारे घर में और दोनों के रहते देखो, ये बिस्तर नहीं उठा ना, ये बिस्तर उठा, बर्तन धोने को पड़े हैं। ये लाडली उठती हैं 10 बजे, इनको कमेंट में बोलो भाई टाइम से उठा करें। और भाई इसके पेपर हो गए, सारे पेपर हो गए ना? अब सारे पेपर हो गए, इसके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, कुछ नई चीज़ नहीं सीखनी, बस घर पे सोते रहो, लेटते रहो, बस टाइम पास करते रहो, फोन चलाते रहो, बस यही काम है इसका। चलो जी भाई, और क्या ही बात करूँ यार, कुछ मन में आ ही नहीं रहा, क्या ही बोलूँ। हेलो मम्मी जी, पराठे और सब्जी क्या है? दो पराठे बना दो। बन गए। चलो भाई खाते ही चले जाता हूँ आज। चलो जी भाई काम पे आ गए और लगते हैं अपने काम पे। तो भाई काम पे हूँ, 1 बज गया है और शांति का माहौल है, सारे लोग गए हैं लंच करने, और यही समय है मैं आपसे अपनी दिल की बात करूँ, क्योंकि घर पे यार शोर शराबा रहता है, सुबह सुबह कोई काम पे निकल रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, और टाइम मिल नहीं पाता, फुर्सत मिल नहीं पाती। तो मैं यहीं पे आपसे दिल की बात करता हूँ। देखो अपनी मशीन पे मैंने क्या रखा, फ़ोन ऊँचा करने के लिए यहाँ फ़ोन टिका के रखूँगा, काम भी करता रहूँगा और आपसे दिल की बात भी करूँगा। लंच करने गए हैं सारे लोग और मैंने छोले भटूरे खाए हैं और इसी वजह से मैं लेट लंच करने जाऊँगा। चलो अब फ़ोन टिकाते हैं और काम करते करते आपसे बात करते हैं, आपको इससे ये भी पता लग जाएगा मैं कैसे काम करता हूँ, पता नहीं फेस आएगा या नहीं आएगा मेरा। हाँ जी, तो ऐसे में बैठ गया, थोड़ा शोर आएगा यार, संभाल लेना। पता नहीं यार ऐसे डिस्टर्ब होगा आपको, मैं मशीन बंद ही कर देता हूँ। तो मैंने साइकिल, एक मिनट रुक जाओ, तो मैंने साइकिल तो ले ली है जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। बस मैं दिक्कत ये आ रही है अब, मतलब मैं ना साइकिल ली है तो मैं उसको मॉडिफाई कराऊंगा, उसको मतलब एक्सेज लिखवाऊंगा, जैसे आपने पिछली साइकिल मेरी देखी हो, पता नहीं देखी तो मॉडिफाई वगैरह उसको करवाऊंगा। और अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया, आज 3 तारीख है, तो मॉडिफाई मतलब बोले तो उस पर स्टिकर वगैरह चिपकाऊंगा, अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखवाऊंगा और अपने हिसाब से मतलब वही करवाऊंगा, अब ब्लैक टेप करवाऊंगा, फिर यूट्यूब चैनल का नाम, जहाँ टूर करूँगा वहाँ। अभी मैं ना कन्फ्यूज हूँ, देखो मैं कहाँ टूर करूँ, अब मुझे नहीं पता आपका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, जो ट्रैवलिंग वाले होंगे उन लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। तो मेरे मन में आ रहा है कि दोबारा दिल्ली से लद्दाख करूँ, अकेला करूँगा, सब अकेले ही, ठीक है। और एक आ रहा है कि केदारनाथ जाऊँ, फिर एक आ रहा है कि स्पीति जाऊँ। स्पीति जो ट्रैवल करते हैं उन्हीं को पता होगा, स्पीति बहुत ख़तरनाक जगह है भाई, बहुत रिस्की है स्पीति और लद्दाख, बहुत रिस्की है भाई, ऑलमोस्ट भाई मरने के चांस होते हैं वहाँ पे, सच बता रहा हूँ। और अकेले करूँगा, अकेले क्यों करूँगा उसका भी कारण मैं बता देता हूँ आपको। मेरे को ना अकेले रहना है, मतलब बस मेरे को ना अच्छा लगता है कि मैं ना, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले में ना प्रॉब्लम आती है तो मैं कैसे क्या करता हूँ, मैं आलसी हूँ वैसे तो बहुत, मैं अपना आलस ख़त्म करना चाहता हूँ, मतलब ना दुनियादारी समझ में आती है अकेले। अभी मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ, खाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, अकेला रहूँगा तो खाना खुद बनाना, मैगी खुद बनाना, टेंट अकेले खुद लगाना, बिस्तर अपना खुद लगाना,
और कम से कम पैसों में कैसे जीते हैं और लोग किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, और मतलब ना उसमें मेरा ना दिल साफ होता है एकदम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हर किसी से बात करता हूँ जो ईगो होती है ना अपने अंदर की, जैसे ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जो ईगो होती है ना अपने अंदर का घमंड कि मैं ये वो हूँ, सब चूर हो जाता है ट्रैवलिंग में। और जब पहाड़ होते हैं, जब मुसीबत आती है, तब आपको पता लगता है कि भाई प्रकृति के आगे, दुनियादारी के आगे जो आपका घमंड लिए फिरते हैं ना हम लोग, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं किससे बात क्यों करूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो सब दूर हो जाता है जब प्रॉब्लम आती है। तो मतलब मैं ऐसे समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, पर ना ट्रैवलिंग का अलग मज़ा है भाई सच में। और वैसा ट्रैवलिंग नहीं कि रूम ले रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं, वैसा नहीं, एकदम भाई फुल कम पैसों में बजट, कम बजट में टूर करना, टेंट में रहना, अकेले रहना, मुसीबत झेलना, तो यही है। मैं इसीलिए चाहता हूँ अकेले टूर करना। और दूसरा रीज़न ये है, मेरे साथ बहुत लोग जाना चाहते हैं, मैं किसी को इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि भाई बनती नहीं है। पिछली बार मैं दो तीन भाइयों के साथ, एक रवि भाई थे और भी भाई थे, मिले थे केरला वाले भाई, बन जाती है फिर ना। देखो कभी कभार ना जैसे टूर कर रहे हैं हम, जैसे मेरा कहीं रुकने का मन है और सामने वाले का नहीं है, तो कलेश हो जाता है और बहुत पंगे आते हैं भाई। मतलब कुछ बात पे मैं कुछ चाहता हूँ वो नहीं चाहता, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं साथ में टूर नहीं करना चाहता, बहुत लफड़ा होता है भाई सच में। जो बंदा करता है उसी को पता चलता है। बाकी रवि भाई भी बढ़िया थे और एक केरला वाले भाई थे, वो भी बढ़िया थे, पर यार कोई कितना भी बढ़िया हो कलेश हो ही जाता है सब साथ में टूर करते हैं, क्योंकि दोनों का अपना अपना अलग दिमाग चलता है, वो कुछ और चाहता है, मैं कुछ और चाहता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, जो जगह अच्छी लगी वहाँ मैं रुकूंगा एक दो दिन, उस नेचर को फील करूंगा। और सामने वाला बंदा चाहता है कि नहीं यार मेरे को खींचना है, मेरे को खींचना है, मेरे को रुकना है, तो बहुत लफड़ा हो जाता है। मैं अकेले रहूंगा, मेरी प्रॉब्लम भी अकेले झेलूंगा और मज़ा आएगा, वो भी मज़े अकेले लूंगा। इसीलिए मैं अकेला टूर करना चाहता हूँ। और अकेले में ना यार अलग मज़ा है भाई, मैं समझा नहीं सकता, बस अकेले करूँगा ये, मैं मेरा घमंड कह लो कुछ भी कह लो, अकेले ही टूर करूँगा। और इससे थोड़ा यार माँ बाप डरते हैं भाई, देखो यार सच बता रहा हूँ आपको, लद्दाख में जान जाने का बहुत खतरा होता है। और मैंने ऐसे ऐसे समय, ऐसा ऐसा समय देखा है भाई लद्दाख में, जब मेरे को ऐसा लगता था कि भाई ख़त्म है। एक बार तो साइकिल इतने मतलब ऊँचाई से ला रहा था नीचे, और भाई इतनी गहरी खाई थी ना, क्या बताऊँ आपको, आपको यहाँ के हिसाब से बताता हूँ, 10-12 मंजिल नीचे, और भाई मेरे पीछे सामान था 22 किलो का, साइकिल चला रहा था, और भाई ढलान आई, मैंने ब्रेक मारी और साइकिल कंट्रोल ही नहीं हो रही भाई, तो मेरे को लगा कुछ समय के लिए गया सी उनतु गया। तो भाई उसके बाद जो बच जाता हूँ ना, तो इतनी खुशी होती है यार, क्या हुआ भाई, मतलब उसके बाद जब वो मुसीबत टल जाती है ना, तो ऐसा लगता है यार सिवम मर भी सकता था तू, और कितनी मुसीबत थी, अभी सब कुछ चला जाता, ख़त्म सब कुछ, माँ बाप तेरे दुखी होते। तो भाई सिचुएशन आती है, पहाड़ है, नेचर है, पहाड़ भी गिरते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, पर उनके बाद जो उनको जो प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ते हैं, उसका भाई अलग ही मज़ा है, उसके बाद अलग खुशी मिलती है। तो यही है, मैं अब मेरे को आप ये बताओ क्या करूँ मैं, साइकिल का 6,500-7,000 में लाया हूँ मैं साइकिल, और उसमें खर्चा आएगा टेपिंग कराने का 1,000-1,100, थोड़ा सामान खरीदना पड़ेगा, लगा लो 2,500 रुपये सामान, और पैसे भी हैं नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो 22 अप्रैल को शादी में जाना है, उसके लिए मेरे को 20 अप्रैल को निकलना पड़ेगा, 22 की शादी है, 23-24-25 तक मैं गांव में रहूंगा, एक दोस्त के गांव में, बिहार में शादी है दोस्त के बड़े भाई की, तो 5 दिन तो वो लगा लो, फिर काम भी मारा जाएगा है ना। तो फिर मैं 5-6 दिन मैं अपनी तरफ से जोड़ के चल रहा हूँ, क्या पता मेरे को उसकी शादी में ज़्यादा टाइम लग जाए, तो वो है एक। फिर मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी मई तक, तो मैं सोच रहा हूँ यार फैमिली ट्रिप करूँगा, केदारनाथ जाऊँगा, वो तो मैंने सोच रखा है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फिर मई में उसके बाद मैं कहीं जाऊँगा, ऐसा मेरा प्लान है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप ज़रूर बताना, मैंने तो ऐसा सोचा है, आप ये बताना। देखो मैं केदारनाथ जाना चाहता हूँ, देखो मैं बताया था लद्दाख, स्पीति, केदारनाथ, केदारनाथ मैं फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ, साइकिल से नहीं जाना चाहता, क्योंकि साइकिल जैसे जाने लायक बहुत लफड़ा होता है यार साइकिल से वहाँ जाऊँ। और मेरे को ना ऐसी जगह सच में भाई पसंद आती है जहाँ ना लोग कम होते हैं, बस अब मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों है, पर ऐसा ही है। और लद्दाख तो भाई मैंने एक बार किया, तो भाई क्या बताऊँ यार, देखो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कोई माताएं बहनें भी होंगी, जो लेडीज़ें होंगी जिन्होंने नहीं घुमा होगा इतना ज़्यादा, पर मैं क्या बताऊँ यार, अब जब लद्दाख जाओगे ना अलग दुनिया लगती है, वो एकदम आसमान इतना क्लोज, इतना नीचे लगता है, इतने लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगते हैं, मतलब ना सोचने मजबूर कर देते हैं, और पहाड़ों के ऊपर गढ़, बड़े बड़े घर होते हैं, मतलब ना ज़िंदगी में जैसे आपको अगर बोरिंग लग रहा है ना, बहुत ऐसा लग रहा है ज़िंदगी झंड है, तो कुछ मत करो भाई, कम पैसों में घूमने निकल जाओ अगर आप जा सकते हो,
भाई जिंदगी ना एकदम बदल जाएगी, सच बता रहा हूँ भाई। इतना अच्छा लगा था ना, मतलब मैं जब घूम रहा था ना साइकिल से, तो एक जगह आती थी मैं सोचता था आगे कैसी जगह आएगी, एकदम से आगे अलग जगह आ गई, फिर मैं सोचता था आगे कैसी जगह, एकदम से अलग, इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़, फिर चढ़ाई पे चढ़ने जब चढ़ाई आती थी ना तब इतना डर लगता था यार, मतलब इतना चिंता होती थी यार कैसे चढ़ाऊँगा इतनी ऊँची साइकिल, थक जाता था। फिर जब चढ़ाता था ना ऊपर से नीचे आता था, ओहो भाई वो सुकून ना अलग ही होता है, वो मतलब मैं ही महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने किया है। मतलब भाई अलग है यार, मतलब ज़िंदगी ना जीना सिखा देता है ट्रैवल, ऐसा मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। बाकी ना एक तो मेरे को बेस्ट चीज़ ये लगती है, जैसे ना मैं कभी कभार ना मैं मतलब भाई सच बता रहा हूँ इतना पैसा बचाया मैंने लद्दाख में, मैं ना पैसे बचाने के चक्कर में एक एक दो दो दिन भूखा रहता था, सच बता रहा हूँ। और लद्दाख का खर्चा मेरा मैं बता देता हूँ, लमसम आपको पता नहीं होगा, मैंने बताया भी नहीं है, लमसम आया होगा मेरा लद्दाख का खर्चा, खर्चा बता रहा हूँ, 11,000-11,500 दो महीने का देख लो, खाने पीने का, जो सामान का नहीं बता रहा, जो सामान मैं लेके गया था उसका नहीं बता रहा, साइकिल और सामान का, खाने पीने का रहने का इतना खर्चा आया होगा 10,000-10,500 रुपये बस। और डोनेशन मेरे को लोगों ने किया था मतलब पेटीएम के थ्रू 6,000-6,500, तो ऐसा कुछ था। बाकी मेरा काम मारा गया था दो महीने का, वो थी प्रॉब्लम, पर कोई बात नहीं वो भी सही था, पर मेरा चैनल भी मोनोटाइज हो गया था, अच्छी चीज़ ये हुई थी। और मैंने मतलब एक तो मैंने ये चीज़ महसूस करी, मेरे पास ना 64 GB फ़ोन है, मैं वीडियो बनाता था ना सोच के बनाता था, फ़ोन भर जाता था और नेट मिलता नहीं था, फिर यूट्यूब पे भी नहीं डाल पाता था रोज़, ये गलती करी थी। तो इस बार मैं GoPro लेके जाऊंगा, या तो 256 GB कोई आईफोन लूंगा तभी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा यार। तो यही था यार दिल की बात कर दी, आप क्या सोच रहे हो, क्या मेरे को करना चाहिए, कैसी आपकी सलाह है ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए भाई मुझे, जब मैं लद्दाख जाऊंगा ना भाई बहुत सपोर्ट चाहिए, सच में हर चीज़ से सपोर्ट चाहिए मुझे, पैसों से भी सपोर्ट चाहिए और व्यूज़ के मामले में भी सपोर्ट चाहिए और हर चीज़ से सपोर्ट चाहिए, पर ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर चाहिए मुझे, ज़रूरत थी है, ज़रूरत है उसकी, देखना वो करोगे आप नहीं करोगे वो मर्जी की बात है आपकी। और बस मैं अच्छा ब्लॉगर मतलब मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बाकी इतनी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ के बारे में आपको अच्छे से बता सकूँ, आपको हंसा सकूँ, आपको चीज़ें सिखा सकूँ और जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ अच्छे से आपको बता सकूँ, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको व्लॉग बोरिंग ना लगे, कम से कम मिनट के व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। और एकदम ना जो मेरे अंदर, मैं अपने दिल को ना नीयत को और साफ करके आऊँगा भाई सच में भाई। और बस मैंने पिछली बार ना बहुत जगह पर ना ट्रक से गया हूँ मैं, तो इस बार ना ट्रक वर्क नहीं पकड़ूंगा यार, मतलब मैं ट्रक से जब ट्रक पकड़ लेता हूँ ना तो बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहों से जब ट्रक निकलता है ना मैं सोचता हूँ यार यहाँ से साइकिल से निकलता ये वो, तो ट्रक नहीं पकड़ूंगा यार मैं, मतलब कितना भी थक जाऊँगा ट्रक पकड़ूंगा ही नहीं मैं भाई, सुंदर सुंदर जगहों पर ना खुद मैं साइकिल चला के उस जगह को ना महसूस करना चाहता हूँ, वहाँ रुकना चाहता हूँ भाई सच में भाई। लद्दाख इतनी सुंदर है देख लो, मैं इतनी कठिनाई झेल के गया था और सोच लो एक बंदा जो इतनी कठिनाई झेल के गया था वो दोबारा जाना चाहता है, तो कुछ तो बात है ना भाई उस जगह में, तभी तो दोबारा जाना चाहता हूँ। तो वही है भाई आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी तो यही है भाई, दिल की बात करनी थी मेरे को आपसे कर ली, और क्या ही बताऊँ यार, बाकी ऐसी ज़िंदगी है अपनी नॉर्मल, सुबह उठो काम पे आओ फिर रात को जाओ फिर सो जाओ, सुबह उठो काम पे जाओ रात को सो उठ जाओ, ऐसा है यही मेरी ज़िंदगी है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मेरे पास कुछ टैलेंट है नहीं, मैंने 12वीं करी फिर 1 साल कॉलेज किया, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हम दिल्ली में रहते हैं, जिन उनको बता रहा हूँ जो नए लोग हैं जो पहली बार आए हैं, हम दिल्ली में रहते हैं किराए पे, हमारा गांव है यूपी में और अच्छी खासी फैमिली है, कोई बीमारी नहीं है ना हमारी फैमिली में ना मुझे बस, और मेरे ख्याल से भाई बीमारी नहीं है ना तो ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो भाई खाली इस चीज़ के लिए तरसते हैं कि उनका अच्छा शरीर हो, पर मेरे पास है अच्छा शरीर और इस चीज़ की भाई मेरे को ना मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ यार कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है अच्छा शरीर है। और तो बस यही थी भाई दिल की बात करनी थी, बाकी मॉडिफाई वोडिफाई कराऊंगा और जो भी जैसा भी जब भी सीन होगा आपको बताऊंगा भाई, आप ही लोगों से शेयर करता हूँ भाई जो भी बातें हैं, बाकी देखते हैं कैसा प्लान होगा, मम्मी की क्या मर्जी होगी, पापा का क्या फैसला होगा, बाकी अपनी नीयत साफ रखो और घूमने निकल जाओ ठीक है भाई। बहुत हो गया और ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में। और हाँ मैं GoPro लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यार GoPro ऐसा होता है छोटा सा कैमरा होता है इतना सा, और उसको हेलमेट में लगा लो
और उससे ना वीडियो सही बनती है। अब मैं फ़ोन को ऐसे करके कैसे एक हाथ से साइकिल चलाऊं और फ़ोन से वीडियो बनाऊं तो दिक्कत होती है। GoPro बेस्ट होता है, इतना छोटा कैमरा होता है, हेलमेट में लगाऊंगा और जहां जहां मैं नज़ारे देखूंगा आपको कैमरे में भी दिखाई देंगे, इसीलिए मैं GoPro ज़रूरी बोल रहा हूं। बाकी तो वही है, मिलते हैं सीधा आपसे अगली वीडियो में। अभी जाऊँगा घर लेट खाना खाने, और हाँ भाई आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और बस यही थी बाकी। बाय बाय भाई, लंच में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि शोर शराबा नहीं आता, सारे लोग लंच करने जाते हैं, मशीनों का शोर नहीं आता और मेरा शोर नहीं आता। और हाँ काम करने का तरीका दिखा देता हूँ आपको कैसे करता हूँ। एक तो मेरा फोन ना 64 GB है तो तुरंत ही भर जाता है। वीडियो बनाता हूँ ना तो सोचता हूँ यार कि भरना जाए, जगह ना फुल हो जाए। इस वजह से जल्दी बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ। देखो ऐसा काम है मेरा, ये होता है हवाई चप्पल के ऊपर का, और इस कुल्फी को ऐसे लगाओ तो ऐसे, और ये वाली सिलाई होती है तो बस। और हाँ भाई, जिसको लगता है कि ऐसे मैं मतलब कहीं पे भी सोचूं और ट्रैवल करने निकल जाऊं, ये आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि भाई मेरे को सब देखना है, काम भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, रूम का किराया भी देखना है, और हर चीज़ देख के चलनी है, मम्मी पापा की परमिशन हर चीज़। तो यही है भाई, अभी देखो ये अप्रैल का महीना चल रहा है, शादी में जाना है और काम भी करना है, कमाना भी है। किराया शादी में जाऊंगा तो 5-6 हज़ार रुपये किराया लग जाएगा मेरा खर्चा, तो बहुत खचड़ पचड़ चलती रहती है भाई इस दिमाग में। आपको इतना खुश दिखता हूँ ना, हूँ नहीं मतलब ऐसा आपको हंसता हुआ दिखता हूँ ना, ज़रूरी नहीं है, पर भाई बहुत खचड़ पचड़ चलती है, मैं बहुत सोचता हूँ और करियर की बहुत टेंशन करता हूँ भाई, ये मैं बहुत सोचता हूँ मेरा क्या होगा, पर पता नहीं है क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और बस कुछ भी हो भाई, नीयत अपनी साफ रखो, जानबूझ के मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, और बस आप लोगों का एंटरटेनमेंट करता रहूँगा, नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा, बस भाई अपना यही है भाई, किसी के साथ गलत नहीं करो, सिंपल ज़िंदगी जियो, और किसी से कभी कर्जा मत लो भी फालतू का, बस यही है, और माँ बाप की सेवा करो बस।